हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जायका माँ के हाथ का। अगर बच्चे घर के खाने से इनकार कर रहे हैं तो उन्हें बना के दें पिज्जा पैटी। आज बहुत इजी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, ब्रेकफास्ट में दें या स्नैक्स में दें, पर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की रेसिपी हमारी दो स्टेप्स में होगी। सबसे पहले आलू के इंग्रेडिएंट्स देख लें, फिर हम फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। सबसे पहले मैंने दो आलू बॉईल करके उनको मैश कर लिया है। अब मैं उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा, इसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आलू के साइज पर डिपेंड करता है, आप उसी हिसाब से ये जो है इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा, अदरवाइज जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इसकी जो डो तैयार करनी है वो आटा जैसे हम बनाते हैं रोटी के लिए वैसी ही उसकी डो बनेगी। तो आप देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हाथ के साथ जैसे आटा गूंथते हैं। अच्छा, डो को तैयार करके आप इसको 15 से 20 मिनट्स तक फ्रिज में मस्ट रखिएगा, जैसे हम आटे की डो तैयार करके फ्रिज के अंदर ज़रूर रखते हैं, क्योंकि फिर जो है हमारी एक बिल्कुल स्मूथ जो है वो डो बनेगी। और उस क्योंकि हम इसमें एग यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं कर रहे जिससे अच्छी तरह बाइंड हो जाए, तो इसकी बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है कि इसको फ्रिज में रखें ताकि ये सेट हो जाए आपस में। अब मैं आपको इसकी फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने 2 चम्मच के करीब जो है वो चॉप की हुई प्याज ली है बारीक। इसी तरह से मैंने शिमला मिर्च ली है 2 खाने के चम्मच, कैप्सिकम जो है उसको बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं उनको चॉप कर लिया है बारीक, और 1 हरी प्याज का वो जो हरा वाला हिस्सा है वो मैंने लिया है उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। और इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस में। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो नॉर्मल जो आपके पास सॉस है टमाटो सॉस जो है उसके अंदर आप थोड़ा सा गार्लिक बारीक चॉप करके, थोड़ी प्याज, थोड़ा सा मिंट जो है, पुदीना जो है उसको बहुत फाइन चॉप करके उसमें ऐड कर दें, आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस जैसी फ्लेवर आएगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने पिज़्ज़ा सॉस के अंदर मिक्स कर दिए हैं, साथ मैंने चीज़ ली है। आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ली है। अब हम कोटिंग करेंगे शैलो फ्राई करने से पहले इसको, तो इसके लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, उसके अंदर मैंने गार्लिक बहुत चॉप करके और थोड़े से मिंट लीफ जो है वो चॉप करके डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। मुझे क्योंकि बच्चों ने खाना है तो मैं थोड़ा सा इसे लाइट रखूँगी। फ्रिज से मैंने डो निकाल ली है। अब मैंने उसके छोटे छोटे जैसे एक छोटा सा पेड़ा बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, उतना सा आपने उसका मटेरियल लेना है आलू का, और वो जो हमने वो एक डो रेडी की थी, और उसके बाद उसको ऐसे हाथ के ऊपर ही थोड़ा सा फैला लें जैसे हम रोटी बनाते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब आप उसको ऐसे फैलाएं तो उसके अंदर क्रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बहुत थिन भी ना हो और बहुत थिक भी ना हो, मीडियम आपने इसको रखना है। और देखें, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच फिलिंग डाली है, फिलिंग थोड़ी डालिएगा और फिलिंग को बहुत रनिंग मत बनाइएगा, अदरवाइज वो बाइंड नहीं हो पाएगी। ऊपर थोड़ी सी चीज़ रख दी है मैंने फिलिंग के ऊपर। अब हम साइडों से उठा के इसको राउंड में इसको जो है वो ऊपर से बंद कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा स्टिकी होता है, हाथों को जो है वो ऑयल मस्ट लगा लीजिएगा। और ये देखें, इस तरह से इसको करते हुए ऊपर की तरफ बंद हम करते जाएंगे, नारों से उठाते हुए हम यूँ ऊपर की तरफ बंद कर देंगे। मैं आपको इसलिए इसके वीडियो क्लिप्स नहीं दिखा पाई, मॉर्निंग का टाइम था और मैं इसको क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ, वीकेंड था, और इसलिए मैं आपको पूरे स्टिक क्लिप्स नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि बहुत हैक्टिक टाइम होता है मॉर्निंग का, क्योंकि मेरे बच्चे उठे होते हैं। और साथ ही देखें, मैंने इसकी फिलिंग जो है उसको अच्छी तरह से कवर करते हुए शामी कबाब जैसी शेप दे दी है। मेक श्योर कि जब आप शामी कबाब की शेप इसको देंगे तो इसमें कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो आपके अंदर फिलिंग है वो बाहर निकल आएगी। और दूसरी बात ये कि जब आप फिलिंग तैयार करते हुए सॉस का इस्तेमाल कम करना है, ताकि बहुत थिन जो है वो हमारी फिलिंग तैयार ना हो। तो अभी देखें, मैं ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको रोल करूँगी, इसको हमने 2 बार रोल करना है, एक बार अभी मैं रोल करूँगी, फिर मैं इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज के अंदर रखूँगी, और आफ्टर 10 मिनट्स मैं शैलो फ्राई करने से पहले इसको दोबारा से ब्रेड क्रम्स के अंदर जो है वो रोल कर लूँगी,
और देखें इस तरह से अच्छी तरह से मैं इसे अभी रख के, तो फिर दोबारा से इसको इसी मेथड से हम रोल कर लेंगे। अभी मैं दोबारा रोल करने लगी हूँ इसको, देखें। अब मैं एक एक करके सारे तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से, और देखें हमने अच्छी तरह से इसको रोल कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी शैलो फ्राई, और इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून जो है ऑयल लिया है। ऑयल मैंने पैन में डाल के हल्का सा वार्म हुआ है तो उसके अंदर मैंने अपने पिज़्ज़ा पैटीज जो हैं वो रख दिए हैं, और साथ ये एक पीस जो आपको नज़र आ रहा है ये चिकन का है, ये मैं अपने छोटे बेटे के लिए बना रही हूँ। एक साइड गोल्डन ब्राउन हो चुकी हुई है, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गार्लिक की जो हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर डाला था। और अभी देखें ज़रा इस तरह से आपने बहुत केयरफुल होके, ताकि हमारी पैटीज जो हैं वो अंदर से खुल ना जाए, बहुत केयरफुल होके आपने इसकी साइड चेंज करते जाना है। हमारे पिज़्ज़ा पैटीज बनकर तैयार हो चुके हुए हैं, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखिए मैंने डिश आउट कर दी है, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है और खाने में इतना मज़े का है। इसको ब्रेकफास्ट या स्नैक्स में बच्चों को बना के दें, या आप चाय के साथ जब मर्जी बना सकते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने का और इसका फ्लेवर बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा आपको लगेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आखिर में एक अच्छी बात, थिंक पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय एवरीवन।